हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? डियर वंस, आज इस वीडियो में हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक काम करेंगे, लेसन द होम कमिंग, जो राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग लेसन है, कहानी है एक बहुत ही अच्छे बच्चे पथिक की, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में सुना था, पढ़ा था। उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं, अ फ्यू ऑफ देम, उनके आंसर्स यहाँ बताने की कोशिश की गई है। ध्यान से सुनिएगा और लिख भी दिए गए हैं, उनके हिंट समझ के लिखिएगा ज़रूर, ठीक है? ना समझ में आए तो बार बार समझिएगा। मेरा बार बार ये कहना होता है अपने स्टूडेंट्स से, अपने क्लासरूम में, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, उन्हें लिख के समझने के बजाय समझ के लिखें। अगर आप एक बार उसे समझ लेंगे तो फिर आपको उन्हें लिखने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, जिससे हमें वक्त पर वो हमें रिमाइंड कर सकें, ठीक है? आइए, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के बच्चों का सरगना कौन है? कहते ना वो इसे गिरोह का सरदार, हु वॉज द गब्बर सिंह ऑफ दैट, यू नो दैट विलेज, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, डियर वन, बच्चों में सबसे शरारती। सो पथिक आ बॉय ऑफ 14 वाज, बाकी सेम लिखेंगे, द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के बच्चों का सरगना एक ही है साहब, पथिक चक्रवर्ती। नंबर टू, हु सेट डाउन ऑन द लॉग, लट्ठे पर कौन बैठा था? तो जब वो पथिक अपने दोस्तों से लट्ठा खींच रहा था, उसका छोटा भाई माखन शरारती, उससे भी कम नहीं था वो लट्ठे पर बैठ गया। इट वॉज माखन द एंगर ब्रदर ऑफ पथिक, पथिक का छोटा भाई माखन, हु की जगह पर ये लिखकर बाकी सेम उतारेंगे, सेट डाउन ऑन द लॉग, वो लट्ठे पर बैठ गया, ठीक। नंबर थर्ड, वाई वॉज पथिक एक्साइटेड टू गो टू कैलकाटा, कैलकाटा जाने के लिए पथिक एक्साइटेड क्यों था? एक तो कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि वो मदर उसकी डांटती फटकारती, वो नाराज़ होता, लेकिन मुझे लगता है इस बात से कोई ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी छोटी जगह के रहने वाला बच्चा या आदमी बड़े शहर को बड़ी जगह जाना चाहता है, तो बिकॉज ही वॉज लिविंग इन स्मॉल विलेज, छोटे से गाँव में रह रहा है, देयर फॉर ही वॉन्टेड टू गो टू कैलकाटा टू सी द बिग सिटी, तो ही लिख दिया है मैंने, यहाँ लिख सकते हैं पथिक वॉज एक्साइटेड टू गो टू कैलकाटा बिकॉज, पथिक वाज एक्साइटेड टू गो टू कैलकाटा बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी अ बिग सिटी, क्योंकि वो एक बड़ा शहर देखना चाहता है, हर कोई चाहता है साहब, हम भी सोचते किसी ने हम आपके बड़े शहर में आए। नेक्स्ट, विच थिंग्स वेर बकेटेड माखन बाय हिज ब्रदर, आखिर वह कौन सी विरासत थी जो पथिक अपने छोटे भाई को सौंप कर जाना चाहता है? जैसे बड़े बड़े शहंशाह अपने आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत में गद्दी छोड़ गए साहब, सल्तनत छोड़ गए, रियासत छोड़ गए, राजा महाराजे अपने राजमुकुट छोड़ गए, पथिक अपने खेलने की चीज़ें माखन को देखे बड़ा एक्साइटेड होकर गया कि मैं तो जा रहा हूँ, तू संभाल, क्या था? सो लिख सकते हैं, विच थिंग्स फिशिंग रॉड बिग काइट एंड मार्बल्स, उसके कंचे एक बड़ी पतंग उसके पास है और उसके पास एक मछली पकड़ने की रॉड है, ये उसकी विरासत है जो उससे बड़ा उसे पसंद है, संभाल के रखता है, वो अपने छोटे भाई माखन को सौंप कर कलकत्ता अपने मामा विशंबर के साथ जाता है, ठीक। वाई डिड पथिक रन अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से क्यों भाग रहा है? ये बहुत दर्दनाक हिस्सा है इस कहानी का, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इस बात के लिए कि प्लीज़ हमें फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि ये गलत है, हमें बच्चों के शरीर पर नहीं उसके मन पर अपना असर करना है, ये शब्दों से आएगा, हमारे प्रेम से आएगा, हमारे उनका स्नेह हम बच्चों के प्रति उससे आएगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो पथिक वाज बीटन बाय हिज टीचर एवरी डे, रोज पिटाई होती है बुरी तरह डंडों से उस टाइम होती थी, बिकॉज ही हैड टू लीव द कॉलेज, तो यहीं लिखेंगे पथिक डिड हटाकर यहाँ रैन अवे फ्रॉम स्कूल बिकॉज ही वॉज बीटन बाय हिज टीचर एवरी डे, क्योंकि उसके द्वारा उसके टीचर के द्वारा उसकी पिटाई हो रही, इसलिए उसे स्कूल से भागना पड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि कंक्लूडिंग नोट है, व्हाट डिड पथिक से इन द एंड ऑफ हिज इन द एंड टू हिज मदर, कहानी के एंड में माता जी से वो क्या कहता है लास्ट में, जब वो आँखें खोल के देखता है तो कहता है, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माता जी, माँ, अम्मा आई, क्या छुट्टियाँ आ गई, ये छुट्टियाँ आ गई हैं,
बड़ी एक इमोशनल एंड पर एक नोट पर कहानी खत्म होती है. तो दीज आर डियर वंस द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डियर आंसर्स. प्लीज नोट डाउन. इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड टेक केयर अबाउट योर सेल्फ एंड योर स्टडीज. हैव अ गुड डे. हैव फन विद योर बुक्स. हैव फन विद योर स्टडीज. थैंक यू वेरी मच. अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें. बाय.